या मैंने चने भिगा के रखे हुए हैं, इनसे बनाऊंगी मैं पकोड़े। तो इसका पानी मैं एक गिलास में निकाल देती हूँ। तो ये मैंने इसके पानी निकाल दिया है सारा। हम इसको मिक्सर जार में डाल देंगे। तो ये ऐसे दरदरा मैंने कूट रखा है। इसमें कुछ कुछ साबुत भी है, तो साबुत भी है तो चलेगा, कोई बात नहीं। ये हरी सब्जी है, राई काट के मैंने रखी हुई है, तो मैं इसमें डाल दूँ हरी सब्जी। ऊपर दिखाना, चलो दोबारा बोलो। और ये चना, और ये चना डाल रहा हूँ इसमें, और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, स्वाद के अनुसार ही डालना, और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्ची। इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का कूट दिया है, इसको हम हाथ से मिक्स कर देंगे। पानी नहीं इसमें डालना बिल्कुल भी, क्योंकि हरी सब्जी है ना, उसमें थोड़ा बहुत तो पानी रहता ही है। और अगर आपको ये थोड़ा सा गीला लगे तो इसमें हल्का सा बेसन डाल देना। इसमें हरी सब्जी की क्वांटिटी कम रखना और चने की क्वांटिटी ज़्यादा रखना, क्योंकि हरी सब्जी पानी छोड़ देगी तो फिर आपको बार बार इसमें बेसन मिलाना पड़ेगा, और इसका टेस्ट जो है, जो चने के साथ आता ना, वो नहीं आ पाएगा ज़्यादा, क्योंकि बेसन का ज़्यादा इसमें स्वाद आएगा। यहाँ मैंने रख दिया है कढ़ाई में तेल, रिफाइंड ऑयल है ही। दे दिखा इसको, पानी खोल तो नहीं रखा। इसके पकोड़े आप हल्के से ऐसे करके टाइट ही बनाना, क्योंकि ये बाइंडिंग इसकी नहीं होती है ना ढंग से टेस्ट की। जब आप पकौड़ों को पूरा डाल दो ना कढ़ाई में, जितना आपने डालना है, उसके बाद आप गैस की फ्लेम को तेज कर देना, और इनके साथ ना छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर जैसे आपने कुछ भी इसमें चम्मच वगैरह कुछ भी मार दिया ना, तो उसकी यही सब्जी बन जाएगी, क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं डाल रखा है, ना बेसन डाल रखा है, ना मैदा डाल रखा है। जैसे आपको लगे ना ये हल्का हल्का ब्राउन सा होने लग गया ऊपर से, उसके बाद इसको हल्के से हिलाना, ताकि नीले वाले भी पक जाएं, हमारे किनारे वाले भी पक जाएं। या मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया तो आपकी कढ़ाई में जिस हिसाब से जगह हो उस हिसाब से ही बनाना। आप देख रहे होंगे वो पूरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसको जो है पलट देना, अब टूटने का डर नहीं रहता है। आप एक बार गैस की फ्लेम तेज करने के बाद तब थोड़ा सा लो टू मीडियम पे रखना, क्योंकि पकोड़े बहुत जल्दी अंदर से नहीं पकते हैं ना, तो इसलिए। वैसे तो चने तो हम कच्चे भी खाते ही हैं, हरी सब्जी तो पक जाती है। चने के और हरी सब्जी के पकोड़े, तो मैंने इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो इसको पुदीना की चटनी के साथ या धनिया की चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।